वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? खैर अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये आपने कबूतर पाले हुए हैं, किस नस्ल के हैं और कौन से हैं, उनकी खासियत आप बताएं। यार इनके अंदर हमारे पास कलसीरा भी है, टेडी कबूतर भी है, छापदार भी है, शायद आपने देख भी लिया था उनको। तो हमारे पास पट्टी वाले भी हैं, ज़्यादातर हम काबली का शौक करते हैं जिनकी उड़ान बहुत लंबी होती है। और हमारे पास ऐसे कबूतर भी हैं जिनको हम सुबह 8 बजे उड़ाते हैं, तकरीबन वो 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 7 घंटे इसी तरीके से। अच्छा सर, इन कबूतरों में ज़्यादातर बीमारियां आती हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं? यार इनके अंदर सूखड़ बोलते हैं, वो बीमारी सबसे डेंजर होता है, जो कबूतर का बचना नामुमकिन होता है। लेकिन उसका भी तोड़ हमारे पास है, तो वो मैं तमाम दोस्तों को शेयर करूँगा, क्योंकि नेब्रामाइसिन, ये टेरामाइसिन टेबलेट वगैरह सारे खिलाए इनको, लेकिन इनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लहसुन के 3 टुकड़े छोटे छोटे 3 दिन तक खिलाएं सुबह शाम, इंशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छा होगा। बाकी इनके अंदर दाने भी निकलते हैं, वो दाने को हम तेल लगाते हैं, एक नेप्रामाइसिन कैप्सूल डाल के और सरसों का तेल डाल के उसमें बोतल में छोड़ देते हैं, इनके पैर वगैरह में लगाते हैं, इंशाल्लाह ठीक होते हैं। अच्छा सर, आपका कोई उस्ताद है जिन्होंने आपको सिखाया हो? हमारा उस्ताद का नाम है असलम, जो मेरा छोटा भाई है, और मामा सरोवर जो मेरा चाचा है, वो हमारे उस्ताद हैं। और वो माशाल्लाह कबूतरों के बारे में बहुत जानते हैं, उन्होंने बड़ी उड़ाइयाँ करवाई हैं कबूतरों से। आपका कोई शागिर्द वगैरह जो आपने शागिर्द बनाया हो? मैं अभी फ़िलहाल खुद शागिर्दी में हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे उस्ताद आते हैं, हमारे पास बैठते हैं, हमें गाइड करते हैं कि इस तरीके से कबूतर उड़ाओ, उस तरीके से उड़ाओ। तो उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, हमारा शौक भी पूरा होगा। तो बस आपने कभी आल कराची में उड़ाया कबूतर? नहीं, अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं हम, हमारी तैयारी है। हमारे कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं, सारे हमारे रेसिस कबूतर हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसमें भी हिस्सा लेंगे। हमारे बड़ों ने, हमारे उस्तादों ने तो हिस्सा लिया था इसके अंदर। अच्छा, कबूतर उड़ता है मैक्सिमम कितने घंटे उड़ान भरता है? हमारे पास अभी ऐसे कबूतर हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम उनको सुबह उड़ाते हैं, वो 3-4 बजे आते हैं। वैसे मतलब इनके अंदर ऐसे भी कबूतर होते हैं जो तकरीबन उनको उड़ाते हैं, बुलंदी में जाते हैं, वो 8 बजे 7 बजे उनको उड़ाते हैं, तो वो तकरीबन मगरब भी हो जाता है उनको, बाज़ वक़्त वो आते भी नहीं हैं। वैसे मैक्सिमम 5 बजे 4 बजे कबूतर को आना चाहिए, 7-8 घंटे वैसे कबूतर होते हैं। वैसे आपने तोते भी पाले हैं, कौन से किस्म के? कॉकटेल पल में है हमारे पास, कॉकटेल है पल में, और हमारे पास ग्रीन फिशर भी है, और वो जो बजरी तोता उसको कहते हैं वो भी है। तो बस हम शौक रखते हैं परिंदों का बहुत ज़माने से। नीचे अभी हमारे पास हम आपको दिखाएंगे परिंदे हैं। सर, इस तोते को क्या बोलते हैं? इस तोते का कॉकटेल है, ये कॉकटेल की नस्ल में पल है ये, और इसे हमने हाथों में अपने ट्रेनिंग दी है, हमारे वालिद साहब का कहता है, वैसे वो भी मौजूद नहीं है, वरना उनका भी इंटरव्यू ले लेते हैं, भी कुछ बताते हैं। तो ये सूची वगैरह, कौन से तोते पाले हैं आपने? हमारे पास फिशर भी है, आपने वीडियो बना लिया, आप वीडियो बना ले, कॉकटेल है, फिशर है। पहले हमारे पास बजरी तोते भी थे, वो हमने निकाल लिए। अच्छा अच्छा, बजरी तोते पहले अमूमन लोगों के पास बहुत होते थे, लेकिन अभी बहुत कम हो गए, इसकी वजह क्या है? वजह इनका रेट बहुत कम है। अच्छा, परिंदों का रेट बहुत कम है, तो इन पे हम बहुत मेहनत करते हैं, तो पहले इनके भी रेट बहुत ज्यादा आयु हुआ करता था, अभी इनका भी बहुत कम है, क्योंकि इनके जो दाने के पैसे नहीं निकलते बजरी के, तो क्या फायदा। अच्छा, आपके पास पहाड़ी तोते नहीं होते हैं? पहाड़ी तोते थे हमारे पास, अभी फिलहाल तो नहीं है।